हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को किस तरीके से डिलीट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट को दो प्रकार से डिलीट किया जाता है। पहला डिसएक्टिव होता है, जिसको आप वापस एक्टिव कर सकते हो, और दूसरा परमानेंटली डिलीट होता है, जिसको आप वापस एक्टिव नहीं कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो, और हाँ, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हो, इसका भी आप रीजन बता सकते हो कमेंट करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पे जो ये तीन लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है सबसे टॉप में, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सेंटर का टॉप में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जाना है। अकाउंट सेंटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है और पर्सनल डिटेल, यहाँ पे जाना है। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको अकाउंट ओनरशिप और कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है, डीएक्टिवेशन और डिलेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये आईडी दिख जाती है आपकी, जो भी आप आईडी को डिलीट करना चाहते हो वो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है, डीएक्टिवेट और अकाउंट, और एक आता है डिलीट अकाउंट। तो आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रीज़न पूछेगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हो। तो ये बात आप कमेंट करके भी बताना कि आप अपने अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे कोई सा भी रीजन ले सकते हो, कोई भी एक रीजन लेने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे आप पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है कैंसिल, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो और डिलीट अकाउंट, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।